तो अभी हॉस्टल से निकल रहे हैं, हीरा हॉस्टल का गेट। मैंने आपको इंट्रोड्यूस करवाया था ना कल वीडियो में, या सो ही शिवम, ही इज फ्रॉम देहरादून। या मिलते हैं ब्रो, या है नाइस टाइम विद यू। बाय ब्रो। हॉस्टल से निकल के देहरादून की तरफ जा रहा हूँ। टाइम आई गेस 5 बजे होंगे, 4:30 या 5। बाकी प्रॉपर्टी बहुत बढ़िया थी यार, मज़ा आ गया। मैं हर किसी को रिकमेंड करूँगा कि वो एक बार हॉस्टल मसूरी आए, विज़िट करे और एक्सपीरियंस करके देखे, इसे मज़ा आएगा। बाकी ठीक है, आगे मिलते हैं रास्ते में, देखता हूँ कुछ अच्छा दिखेगा तो दिखाऊंगा, अदरवाइज सीधा देहरादून जाके ब्रेक मारेंगे। अभी बस एक फ्यूल ब्रेक के लिए रुकना होगा, एक बार फ्यूल डलवाना है मेरे को थोड़ा, एंड देन देहरादून डायरेक्टली। देहरादून पहुंच चुका हूं, टाइम अभी हो रहा है अराउंड 6:33 हो रहे हैं अभी, यानी मैं चला था मतलब हाँ अराउंड 1.5 से 2 घंटा लगा मेरे को आने में मसूरी, वहाँ हॉस्टल से, हॉस्टल मसूरी से देहरादून। बाकी अभी देहरादून में चलते हैं, एग्जैक्ट जिस लोकेशन पे जाना है फिर उसके बाद तो क्या ही मैं कुछ रिकॉर्ड करूँगा। The next day. So hello friends, good morning. आज है 11th January. Time is around 10:30 AM. तो कल शाम को मैं देहरादून वापसी आ गया था हॉस्टल से। जैसा कि आप लोगों ने प्रीवियस वीडियो में देखा ही होगा, मैं हॉस्टल मसूरी में था। I had fun there. बहुत नए लोग मिले, बहुत नए दोस्त बनाए, बहुत अच्छी मेमोरीज है वहाँ की। और कुछ लोग हैं जिनके साथ थोड़ा अटैचमेंट ज़्यादा हो गया था, मतलब जिनके साथ ज़्यादा फ़न करा, ज़्यादा वो था, स्पेशली श्रीनिवास, करिश्मा, यशस्वी, सिंड्रेला, सिद्धार्थ, शिवम, कुश, बहुत सारे बंदे हैं। और यार मतलब फ़न पार्ट था वहाँ पे, लोगों के साथ सोशलाइज़ करा, मिले, एक्टिविटीज़ करी, इट वॉज फन। तो अभी की अपडेट ये है, अभी तो मैं देहरादून में हूँ बट शायद मैं वापसी हॉस्टल जा रहा हूँ। वहाँ से फ़ोन आ रहे हैं मेरे पास कि भाई मतलब ऐसा है कि हर कोई 2-2 या 3-3 दिन के स्टे के लिए आया हुआ था और सब ना अपने स्टे एक्सटेंड करवाए जा रहे हैं। तो अभी देखता हूँ, शायद बात चल रही है, शायद मैं वापसी अभी मसूरी की तरफ निकल जाऊँ, वापसी हॉस्टल चला जाऊँ। देखते हैं क्या होता है, जो भी होगा आप लोगों को मैं वीडियो में बता दूँगा, दिखा दूँगा। बाकी यार मतलब ये है कि ट्रैवलिंग का ना ये बेस्ट पार्ट है, मतलब मैं घर से सोलो निकला था और वहाँ पे मैं सोलो गया था, बट इट्स लाइक कि अब इतने सारे दोस्त बन गए हैं वहाँ पे, हमने इतनी सारी एक्टिविटीज़ करी, फ़न करा, तो सही था यार, काफ़ी सही था। मेरा एक्सपीरियंस तो बहुत अच्छा था, मैं हर किसी को रिकमेंड करूँगा कि एक बार जाए, एक्सपीरियंस करे। बाकी देखते हैं आज का क्या रहता है, जाता हूँ नहीं जाता, जाऊँगा तो आप लोगों को बता दूँगा, मिलते हैं फिर। तो अपडेट ये है कि वापस से प्लान बन गया है हॉस्टल जाने का, और मैं अकेला नहीं जा रहा, मेरी सिस्टर भी मेरे को अकम्पनी कर रही है साथ में। शी इज़ तन्वी, माई सिस्टर, शी लिव्स इन देहरादून। तो अभी हम दोनों हॉस्टल की तरफ जा रहे हैं, बाकी मिलते हैं रास्ते में, बाय। सो
सो फाइनली वापस जॉस चला गए, चलते हैं अंदर।